समाचार टुडे की टीम रात को सड़कों पर दौड़ रही थी। दूर दूर तक सुनसान सड़क दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी बीच हमारी नजर एक किशोर पर पड़ी। कचड़े से लकड़ियां बीन रहा था वो किशोर। दुर्भाग्य की बात थी कि देश का युवा 21वीं शताब्दी में ऐसी हालत में है। जिस देश में 60% से ज्यादा युवाओं की संख्या है, आज उस देश का युवा रात में लकड़ी बीन रहा है। रात के 3 बजे अगर कोई युवा देश में कचड़ा बीन रहा है, अपनी रोजी के लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। देश डिजिटल हो रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हाथ में मोबाइल आ रहा है, लेकिन आज का युवा अगर रात के वक्त लकड़ियां चुग रहा है, मेहनत कर रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है बेटा आपका? जी समीर। समीर, ये सब क्यों कर रहे थे रात में? जी पैसे के लिए करना पड़ेगा। क्या और कोई काम नहीं करता घर में? एक करता पॉप रिक्शा चलाता है, कबाड़ा बीन लेता है, जब इस टाइम बीनता हूँ फिर दिन में अपना कुछ काम करता। अच्छा, रात में कबाड़ा बीनते हो, दिन में कुछ और काम करते हो? हाँ। तो इससे क्या कुछ मिल जाता है आपको? इससे 200 रुपये हो ही जा रहे हैं। अच्छा, 200 रुपये हो जाते हैं, तो ऐसे ही चलेगा आप जीवन भर, ऐसे ही करने वाले हो? नहीं, बस तो करना पड़ेगा जब तक मजबूरी है। मजबूरी। दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि आज देश का युवा इस स्थिति में पहुँच गया। और सबसे आखिरी में हम जा पहुंचे मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड। यात्री बसों का इंतजार कर रहे थे कुछ लोग थे जो सालों से इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वोट नहीं दे पा रहे थे, अपनी पीड़ा हमें बता रहे थे। तो वहीं देश की राजनीति को लेकर कुछ युवाओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप भी सुनिए क्या कहते हैं युवा। सुबह के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के वक्त समाचार टुडे की टीम इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड के पास। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ रिक्शा चालक हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महरपाल है जी। महरपाल जी, कितने सालों से वोट डाल रहे हो? भाई हमें तो कम से कम 20-25 साल हो गए वोट डालते हुए। 20-25 साल में कुछ मिल पाया वोट के बदले आप? भाई अभी तो कुछ मिल पाया नहीं वोट के बदले। क्या उम्मीद क्या थी, क्या मिलेगा? बस यही कि हमें कुछ रोजगार मिल जाए। अभी तो कोई सरकार ने ऐसे किसी रोजगार के बारे में बात करी नहीं। वादे किए गए थे आपसे? हाँ, वादे तो भाई जनता से जी कर ही रहे नेता लोग। अच्छा भाई, रिक्शा में चल जाता है काम आपका? बस जैसा भी चल रहा भैया, क्या करें, अपना गुजारा करना मजबूरी है। मजबूरी है, क्या मजबूरी है, इसलिए चलाना पड़ रहा है, अपना घर भी चलाना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक और बाबा हैं। बाबा आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेश है। कितने सालों से वोट डाल रहे हो? मैंने तो वोट नहीं डाला ये। आज तक वोट ही नहीं डाला? चुनाव क्या होता है पता है? था लेकिन मैंने कभी हमारा काम चाने से नहीं पड़ा, लेकिन वोट डाले। क्यों नहीं डाला वोट? बना नहीं है वो ट्राई कार्ड, या फिर कोई नेता पसंद नहीं आया? बस हम दिलचस्पी नहीं रहा इस बात में। दिलचस्पी नहीं रही? क्यों नहीं रही दिलचस्पी? बताइए बताइए, खुल नहीं बताने क्या बात है। मतदान त्योहार है हमारे देश में, जब भी मतदान का वक्त आता है तो हमारे पास एक अधिकार होता है। बात सही है आपका कहना। दिलचस्पी क्यों नहीं ली? बस मैंने कभी ऐसी दिलचस्पी ली नहीं था मैंने। मतलब सरकार जो, आपको पता है कि आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या नुकसान होगा उसका? नहीं, नुकसान तो क्या होगा जी, देखो डालने वाले डालते हैं। लगता है कि सरकार बन जाएगी और कुछ करेगी आपके लिए? देखो जी, गरीब आदमी का कौन सरकार है, किसकी क्या है। दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में आज जो गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी को पता है कि अगर कोई भी सरकार बनेगी तो उसके बारे में बात नहीं करेगी। आप सब लोग दूर दूर मत हटिए, बताइए। हाँ, कुछ बहुत सारे युवा हैं। देखो ये देखो, क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। वोट डालते हो आप? जी ऑफ कोर्स। कितने सालों से डाल रहे हो? 5 साल से। 5 साल में कुछ मिला वोट के बदले? कुछ भी नहीं मिला, सिवाय विराट गांधी कुछ नहीं मिला। और आपकी बात फिर चुनाव है? जी है। वोट डालने जाओगे? जाओगे। क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो हर बार बाबा जी का ठुल्लू ही लेते रहोगे क्या? मिल ही नहीं रहा कि क्या मिल क्या रहा है इंसान। कैसे मिलेगा हर बार बाबा जी का ठुल्लू से काम नहीं चलेगा? यहाँ पब्लिक जो गुमराह ज्यादा होती है। पब्लिक गुमराह ज्यादा? बस गुमराह है, इसलिए गुमराह हो रही है। पब्लिक एक हो जाएगी तो शायद बहुत कुछ ले पाएगी।
बस यही बात है। ये युवा है, क्या नाम था आपका? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि पब्लिक गुमराह ज़्यादा होती है, अगर पब्लिक एक हो जाएगी तो शायद आप आइए, आप इधर आइए, आप कहाँ भाग रहे, इधर आइए, भागे मत। युवा है, थोड़ी शर्म भी आती है। चलिए, एक बाबा है हमारे साथ, बाबा बताएंगे। बाबा नाम क्या है आपका? सुरेश। बाबा कितने सालों से वोट डाल रहे हो? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? हो गए होंगे 10-15 साल से हो गई। मतलब 15 साल से डाल रहे हो ना वोट? उम्र तो आपकी वैसे काफ़ी हो गई, हाँ, लेकिन वोट 15 साल से ही डाल रहे हो। हमारे देश में यही हुआ, लोग साक्षर ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था कि उन्हें वोट डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन अब शायद जान रहे हैं, और 15 साल से बाबा जी भी वोट डाल रहे थे। मिला कुछ 15 साल में आपको? बस यही जैसे चल रहा है। कुछ नहीं मिला वोट के बदले? आप तो हर साल 15 साल से वोट डालते रहो, कुछ नहीं बस डाल रहे। कोई उम्मीद थी आपको? उम्मीद भी नहीं बची इस देश के नेताओं से, क्योंकि झूठ इतना बोला गया, बरगलाया इतना गया सालों साल तक। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, वोट डालते हो आप? नहीं जी, अभी नहीं डालते। वोट डालने का समय आने वाला होगा आपका? नहीं जी, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया? जब आएगा तो क्या करोगे? आपको, आप देख रहे हो अभी इतने सारे लोग हैं, सब कह रहे हैं कि हाँ भाई हमने 10 सालों से वोट डाला, 20 साल से वोट डाला, हमें कुछ नहीं मिला। आपको लगता है जब आप वोट डालोगे आपको कुछ मिलेगा? पता नहीं जी, मिलेगा नहीं, पता नहीं, उम्मीद नहीं है। आए कुछ कहना चाहता है? हालत ख़राब है देश की, लोगों को उम्मीद नहीं है। कुछ युवा अभी तो ये किशोर हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, इन्हें समझ आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार। अंकित कुमार, आप भी वोट नहीं डालते अभी? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोट डालते थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आप जब वोट डालोगे क्या मिलेगा आपको? जी वो तो शिक्षा के बारे में पता चले। क्या जो एजुकेशन, अभी तो एजुकेशन कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना। अच्छा, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, आप कैसे देखते हैं देश की राजनीति को? एक किशोर के तौर पर आप बड़े हो रहे हैं, आप राजनीति देख रहे हैं, कैसे देखते हैं? वो तो युवाओं को जो शिक्षा का वो है, उस शिक्षा को बढ़ाना होगा, लोगों को समझना होगा चीज़ों को, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? विवान। विवान, आप क्या कहते हो, आप कैसे देखते हो देश की राजनीति? मैं ये देखता हूँ कि मतलब जो, अच्छा कैमरा शॉट है, बोलिए। हाँ, जो भी मतलब कि हम जिसे कहते हैं कि हम इसे वोट देंगे तो ये अच्छा होगा, आई थिंक सब पहले आते हैं, तो अपना बस जो अपने पैसे लगाते हैं उनके लिए पहले आते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इस जनता का क्या करना है। तो आई थिंक सब पहले अपने बारे में सोचते हैं और बाद में जनता की सोचते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि लोग जब इस लाइन में आते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं कि लोग वादे करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हमको ये देंगे, तो सबसे बड़ा झूठ होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो झूठ से कैसे बचेंगे अब? तो ये तो जनता को देखना चाहिए कि हमें किसके वोट देना चाहिए। आई थिंक अगर हमें ये लगता है कि सब एक जैसे हैं तो आई थिंक वोट देना ही नहीं चाहिए, जनता का इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो नोटा का इस्तेमाल भी है, हाँ, बेहतरीन ऑप्शन है पब्लिक के पास। और पब्लिक, एक युवा, बढ़ते हुए युवा ने एक राय दी है अपनी कि हमें समझ नहीं आता। हाँ, क्या पानी भर जा है लोगों, हाँ, ये बेसिक परेशानी है, बुनियादी समस्याएं। दरअसल विधानसभाओं की जो हम कवरेज कर रहे थे उसमें जो कुछ हमने आपको दिखाया था वही तस्वीर है, ये जो बाबा बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? दुष्यंत। दुष्यंत, आप कैसे देखते हो उस देश की राजनीति? मैं तो पिछले एक्चुअली 70 साल से देखता आ रहा हूँ, मतलब जो भी हमारे हिस्ट्री में बताया के आधार पर। हाँ, पिछले 60 साल में तो कुछ नहीं हुआ है, आप जानते ही हो। पिछले 60 साल में हुआ क्या है एक्चुअली? कांग्रेस ने ही राज किया है। मैंने कांग्रेस से बहुत कुछ किया है। 60 साल में एक्चुअली कांग्रेस ने ही राज किया है यहाँ पे, तो कांग्रेस ने क्या किया है मुझे ये बताइए बस। कांग्रेस से कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बस जो गरीब आदमी था वो गरीब और गरीब होता गया, अमीर आदमी क्या था और अमीर होता गया। अच्छा, कितने साल से वोट डाल रहे हैं आप? मैं यहाँ से 3 साल से वोट डाल रहा हूँ, 21 एज है। किसको? कांग्रेस को वोट करते हैं? बीजेपी को वोट कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी ने आपको कुछ दिया 3 बार जब वोट आपने वोट डाला? मैं बीजेपी को, पिछली बार हमारी बीजेपी अभी जो सरकार आई है वो 10 साल के लिए आई है, आपको पता ही है 5 साल अटल बिहारी के बाद। आप पूरे श्योर रहे ना? हाँ, श्योर हूँ मैं इस बात के लिए, अटल बिहारी जी के टाइम पे, ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर जी के टाइम पे आई थी, और अब हमारे मोदी जी के टाइम पे आई है। मोदी जी के टाइम पे जो आई है सरकार, इन्होंने एक स्कीम निकाली है, कई तरह की स्कीम निकाली है गरीबों के लिए भी, आप जानते ही होंगे। हाँ, गरीबों का फ़ायदा होगा, और जो नोटबंदी का कारण निकाला गया है वो बहुत अच्छा निकाला गया एक्चुअली, मगर गरीब लोग बता रहे हैं परेशान हो गए बहुत। लोग परेशान, अब मैं आपको बताता हूँ इस बारे में कि लोग एक्चुअली परेशान नहीं होंगे। देखो, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो फॉर श्योर हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पिछले 60 साल से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो तो बीजेपी को 3 साल क्यों रोक रहे हो? थोड़ी देर के लिए परेशानी। हमारे सैनिक भाई जो सरहद पे बैठे हुए हैं, एक मिनट, हमारे जो सैनिक भाई सरहद पे बैठे हुए हैं जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बैठे हुए हैं, उनसे क्या ज्यादा परेशानी हुई है? जो कि बर्फ में उसका शरीर पिघल रहा है बेचारे का, उसमें चट्टान उसका शरीर बन जाता है, वहाँ वो ड्यूटी निभा रहा है, उससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? थोड़ी सी तकलीफ जब तक
थोड़ी सी जब तकलीफ होती है, अगर घर की सफाई करोगे थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो मोदी जी सफाई कर रहे हैं, धन को जमा कर रहे हैं, इसे हम गरीबों का ही फायदा होगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो बोलते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला। कांग्रेस के टाइम पे हमारे सैनिकों का सर काटा गया था, तब क्या रिएक्शन था हमारी कांग्रेस सरकार का, ये बताइए। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, वो विरोध करेंगे ही करेंगे। मोदी जी को 2.5 साल हुआ है, उनको 69 साल हो गया। 69 साल के दरमियान में सबसे दुनिया का बड़ा जो घोटाला हुआ है वो कांग्रेस में घोटवा है। इतने रुपये, 1,76,000 करोड़ रुपये घोटाला हुआ है, एयर हजा ने किया है, कॉमन टू जी स्पेस घोटाला में। उसके बाद जो है कॉमन वेल्थ घोटाला, टोटल मिला करके कांग्रेस में 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपया, मैं बता दूं आम जनता को, इतना होता है एक जो स्टेडियम जो होता है, आप जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो स्टेडियम भर जाएगा रुपये, 2 लाख करोड़ इतना होता है। पैसा खा गई है कांग्रेस है ना, इसलिए आप उम्मीद, आप बीजेपी को मौका देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ बीजेपी को मौका मिले। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम विनय मल्होत्रा है। विनय भाई, आप कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? मेरे को भी हो गया है तकरीबन 6-7 साल वोट डालते हो गया। 6-7 साल में कुछ मिल पाया आपको वोट के बदले? नहीं, मिली है, बेरोजगारी मिली है और भ्रष्टाचार मिला है। हाँ, ये सब चीज़ें हम लोगों को गिफ्ट में मिली है, ये तोहफे में मिली हैं पढ़ने लिखने के बाद हम लोग को ये सब चीज़ें मिली है। उम्मीद क्या थी पढ़ने लिखने के बाद? पढ़ने लिखने के बाद हमें आज कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन हमारी लाइन कुछ और थी। हम लोग आर्टिस्ट हैं और दिल्ली से यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आए हैं वोटर्स को। मतलब आप आर्टिस्ट बन गए हैं? हाँ, हम लोग पूरा आर्टिस्ट की टीम है। हम लोग बेरोजगार होता वो आर्टिस्ट चाहते कुछ और थे, वो कुछ और गया करना कुछ चाहते थे, कोई हो कुछ गया। आज हालत देश में खराब हो चुकी है, उम्मीद युवाओं को है कि बदलाव होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इस बात का भी नहीं पता। सवाल है कि कौन बदलाव लेकर आगे आएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे। रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक हमने मुजफ्फरनगर शहर का मिजाज टटोलने की कोशिश की। वोट की चोट ऐसा दर्द देती है जिसका आभास होते हुए भी आज आम इंसान मजबूर हो चुका है। वो जानता है कि मतदान उसका अधिकार है, उसे वोट भी डालना है, लेकिन उसके बाद उसे क्या मिलेगा इसका जवाब उसके पास नहीं। लेकिन हाँ, हर इंसान को उम्मीद ज़रूर है कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन कब होगा इस बात का पता नहीं। नेताओं को समझने की जरूरत है कि जनता सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं, उसे रोजगार भी चाहिए, उसे भ्रष्टाचार से मुक्ति भी चाहिए, उसे मूलभूत सुविधाएं भी चाहिए। और ये सब होगा कैसे इस बात का पता जनता को नहीं, लेकिन नेताओं को इसके लिए पहल जरूर करनी होगी। हर बार सिर्फ वोट लेकर जनता को नहीं भूल जाना होगा। स्पेशल डेस्क, नकुल चतुर्वेदी।